ये जो बालिका वधू 1 जो शो था वो काफी आइकॉनिक शो था, काफी बड़ा शो था, विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करता था कि ये जो बाल विवाह की जो कुप्रथा है, इस शो के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से काफी कुछ सुना है कि ये इतना अच्छा शो था। और जब मुझे पता चला कि मुझे इस शो के सीजन 2 में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, मेरा रिएक्शन था लाइक इतना बड़ा शो है, उसका सीजन 2 आ रहा है, सो उसमें मैं मेन रोल मतलब आनंदी का रोल प्ले कर रही हूँ। सो फर्स्ट टाइम मैं बहुत नर्वस थी कि हाय लाइक वन, हाय श्रेया, हाय। ओ बड़े क्यूट हो आप तो। ओके, हाय वंश, मैं वंश से तो पहले मिल चुकी हूँ। श्रेया, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, सो वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेल रिपोर्टर। थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके वंश, नो आपकी फेस की एक्साइटमेंट यू नो क्लियरली बता रही है कि बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को बालिका मधु 2 का पार्ट बनने में। नो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, बिकॉज इतना बड़ा शो है, पहले इतना हिट रह चुका है। नो आप लोगों को कितना मजा आ रहा है शूट करने में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सबके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई है, सबके साथ मस्ती चलती रहती है मेरी। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो हर किसी एक्टर के साथ मेरी काफी अच्छी हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। हर किसी की एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। हमारे साथ जो सीनियर एक्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, वो उनसे भी हमारे हमने साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें कुछ उनसे सीखने मिलता है, लाइक थोड़ी बहुत एक्सप्रेशंस जैसे वो करते हैं, हमें समझ आता है कि इससे हमें कुछ सीखने मिलता है। काफी कुछ हमें सीखने मिला है अभी तक। एंड मुझे ये नए रोल से भी बहुत कुछ सीखने मिला है। सेम ईयर, एंड हम दोनों को हमारी पूरी टीम को काफी ज्यादा मजा आ रहा है शूट करके। आनंदी और जिगर का जो किरदार है यू नो कितना, पहले भी अगर आपने देखा होगा तो अविका गौर इसे निभा रही थी, एंड अविनाश मुखर्जी ने कैरेक्टर से निभाया था। यू नो आप लोगों ने फॉलो किया है शो को, कुछ इंस्पिरेशन दी है उनके कैरेक्टर से? यस, लाइक जब मुझे पता चला कि ये मैं आनंदी के कैरेक्टर निभाने वाली हूँ, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ उसी के एपिसोड्स देखते रहती हूँ, बालिका वधू 2 के एपिसोड्स देखते रहती हूँ, लाइक हाँ सॉरी 1 के एपिसोड्स देखते रहती हूँ कि कैसी कैसी स्टोरीज थी और कैसी कैसी कैरेक्टर्स थे, लाइक मुझे भी उससे कुछ सीखने मिलता है। ये जो बालिका वधू 1 जो शो था वो काफी आइकॉनिक शो था, काफी बड़ा शो था, विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करता था कि ये जो बाल विवाह की जो कुप्रथा है उसे रोक दिया जाए। तो बस ये काफी ज्यादा बड़ा शो था और इसमें मुझे एक रोल निभाने का चांस मिल रहा है, सो इट इज लाइक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मैंने इसके बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से भी काफी कुछ सुना है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड अ बिट नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि जो पहली सीजन थी वो काफी बड़ी थी और काफी अमेजिंग, काफी हिट थी, सो अ बिट नर्वस बट एक्साइटेड टू। यस, बहुत मजा आता है ये रोल प्ले करने में, मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे भी। ओके श्रेया, मैंने ना आपकी जो ऑन स्क्रीन मॉम डैड प्ले कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की एंड उनका ऐसे रिस्पॉन्स था कि श्रेया से हमको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, द एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग। यू नो क्या कहना चाहोगे आप, बिकॉज आप तो बहुत कुछ सिखा रहे हो उनको एक्टिंग वाइज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कुछ सीख रही हूँ क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बहुत सारे सीन्स भी उनके साथ किए हैं एंड काफी मजा आता है उनके साथ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। ओके वंश और श्रेया, ये बताओ कि आपको आनंदी और जग्गा में यू नो क्या अच्छा लगता है, क्या यू नो कौन सी क्वालिटी है जो इन दोनों की, आनंदी और जग्गा की, अच्छी लगती है आपको पर्सनली? बताना चाहूंगी कि लाइक मैं बहुत ही चुलबुली हूँ एंड आनंदी का कैरेक्टर भी बहुत चुलबुला है और उसको गरबा पसंद है, मुझे भी डांस बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाई पसंद है पर उसको पढ़ाई नहीं पसंद आनंदी के कैरेक्टर को। एंड यू? मेरा जो कैरेक्टर है जिगर का, तो वो मेरे रियल लाइफ के कैरेक्टर से काफी ज्यादा सिमिलर है, एज सेम एज श्रेया आनंदी। तो मेरा जो जिगर का कैरेक्टर है तो उसे पढ़ाई बहुत पसंद है और असलियत में मुझे भी बहुत पसंद है, एंड सीरियल में जिगर जो है वो अपनी मॉम से काफी ज्यादा क्लोज है एंड रियल लाइफ में भी सेम ईयर, एंड लेकिन जिगर जो है वो काफी ज्यादा चिपटी है एंड वो यूजुअली अपनी मम्मी को मस्का लगाते रहता है ताकि अगर उसको कुछ चाहिए तो इफ यू वांट समथिंग डन। असलियत में मैं रेयरली रेयरली मस्का लगाता हूँ मम्मी को, कभी कभी।
बट मैं जिद नहीं करता बटर। अभी श्रेया सच बोल रहे हैं, वंश वो एक्चुअली में जिद नहीं करता। आपने देखा है वंश को जिद करते हुए सेट पे मम्मी से? अभी तक तो मैंने नहीं देखा, वो बहुत अच्छे से रहता है, सबके साथ अच्छे से बातें करता है एंड अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बहुत अच्छा है। ओके नहीं मतलब वंश बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके बहुत तारीफ करती वंश आपकी श्रेया ने। ओके नो, आप लोगों ने राजस्थान में भी शूट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज एज फार एज आई नो राजस्थान में बेसिकली गुजराती फैमिली को बिलोंग कर रहे हो आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस है राजस्थान में शूट करने का और तो, कितना मजा आ रहा है कि राजस्थान जाके गुजराती फैमिली? सो राजस्थान लाइक थोड़ा बहुत गुजराती बेस पर ही है एंड बहुत सारी सिमिलैरिटीज है गुजराती गुजराती और राजस्थान की। सो जो कल्चर है गुजरात और राजस्थान का इट इज क्वाइट सिमिलर, मतलब वो थोड़ा बहुत एग्जैक्टली सेम है। तो गुजराती कल्चर एंड राजस्थान की ज्योग्राफिकल ब्यूटी और उन सबको एक्सप्लोर करके उन सबका मिक्सचर बना के हम ये शो को लीड करना चाहते हैं। सो यस ओके। अगर यू नो श्रेया मैं पूछूं, आपकी कॉस्ट्यूम्स जितने प्रोमो में भी देखे हमने, कितना मजा आ रहा है आपको ना इतने ज्वेलरीज में ना मांग टीका एंड आपके कॉस्ट्यूम के बारे में बताओ आप कुछ, किस तरह से आगे शो में देखने मिलेंगे? मेरा कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छा है, लाइक चनिया चोली टाइप, इतनी सारी ज्वेलरीज है एंड मुझे रियल लाइफ में पहनना बहुत पसंद है, तैयार होना बहुत पसंद है एंड आनंदी के कैरेक्टर को भी, क्योंकि मेरी बहुत सारी कलरफुल मेरा जो भाई है कल्पेश उसके साथ और के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों साथ में, मतलब हम तीनों साथ में एंड और भी बच्चे हैं, हमारा पूरा एक किड्स का ग्रुप है। तो हमारी बॉन्डिंग जैसा कि श्रेया ने आनंदी ने कहा कि काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, तो हम सब फ्री टाइम में ना साथ में बैठ के कभी कार्ड्स खेलते हैं, कभी चेस खेलते हैं, कभी साथ में बातें करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, कभी साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो मजा आता है। ओके ओके नो, अगर आनंदी नो जिगर आप अगर बता सको स्टोरी में आके क्या होने वाला है, बिकॉज प्रोमोस तो हमने देखे है, बहुत अमेजिंग प्रोमोस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आप कुछ रिवील कर सको। सो लाइक इसमें आनंदी की बचपन में ही शादी हो जाती है एंड नेगेटिव रोल के बारे में क्या बताऊं, इसकी जो बुआ रहती है दिवाली वो यहाँ नेगेटिव रोल प्ले करती है एंड मेरी एक दोस्त रहती है दिल्ली उसकी दादी। तो हमारे जो जैसा कि श्रेया ने बताया कि नेगेटिव में जो मेरी बुआ है दिवाली जी, तो वो ना पूरे एक फैमिली का पूरे घर का सब कंट्रोल अपने हाथ में चाहती है, लेकिन वो ये कैसे करेंगे वो कैसे जानेंगे आप सब, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। बहुत क्यूट हो यार आप दोनों भी। अच्छा मेरे को श्रेया श्रेया और वंश बताओ, आप लोग जब आपको फर्स्ट टाइम ऑफर किया आनंदी और जिगर का जो कैरेक्टर, क्या रिएक्शन था आप दोनों का? मेरा रिएक्शन था लाइक इतना बड़ा शो है, उसका सीजन 2 आ रहा है, सो उसमें मैं मेन रोल मतलब आनंदी का रोल प्ले कर रही हूँ, सो फर्स्ट टाइम मैं बहुत नर्वस थी कि लाइक कैसे करूँगी मैं ये रोल, फर्स्ट बालिका वधू जो इतना चला था क्या मैं उतना चला पाऊंगी, लेकिन मैं धीरे धीरे यहाँ पर आई, मेरे सबके साथ बॉन्डिंग हुई, फ्रेंडशिप हुई एंड मुझे बहुत अच्छा लगने लगा सबके साथ यहाँ पर एंड अभी मुझे इतनी डिफिकल्टीज भी नहीं है किसी नए कैरेक्टर्स के साथ प्ले करने की, क्योंकि पहले से मेरी सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है।
एंड पहले स्टार्टिंग में मैं इस रोल के बारे में मतलब मैंने इस शो के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से काफी कुछ सुना है कि ये इतना अच्छा शो था, और जब मुझे पता चला कि मुझे इस शो के सीजन 2 में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, उसमें एक रोल किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, सो आई वॉज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो अ बिट नर्वस क्योंकि इतना बड़ा शो है. सो ओके लास्टली यू नो मैं चाहती हूँ आप लोग जैसे कि नो वंश आपको गुजराती हो, श्रेया इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके गुजराती, तो थोड़ा कुछ अगर आप व्यूअर्स को गुजराती में आपके फैंस को गुजराती में बोल सकते तो प्लीज. मैं गुजराती हूँ वैसे, मैम प्रॉपर गुजराती. हाँ प्रॉपर गुजराती, तो ऐसे कुछ बोल दो फैंस के लिए गुजराती में, आपके लिए मैसेज क्या दोगे आप? लेडीज फर्स्ट. तो मैं देना चाहूंगी कि तमे लोग को पता हमारा शो देखो, बहुत जो 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 बहुत प्यारा जो हमारा शो ने बहुत जागर वधार जो अने तमे जेटलो प्यार पिछला सीजन ना शो ने आईपो तो ईज प्यार तमे आ सीजन ना शो ने पण आपजो, अने अमे पूरी कोशिश करतो अमारो बेस्ट परफॉर्मेंस आपवानी. आई एम डेफिनेटली श्योर तमे बिनु ने बहु बधु प्रेम मळवानु छे शो थी, हुं पण गुजराती छुं सो हाई फाइव फॉर दैट. ओके थैंक यू सो मच यार श्रेया एंड वंश, आप लोग बहुत क्यूट हो एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइस, नो मैं डेफिनेटली आप दोनों के लिए पक्का शो देखने वाली हूं. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. थैंक यू मैम, बाय बाय.